सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2025 के एग्ज़ाम को लेकर कि एग्ज़ाम कब हो सकता है और 2025 के नीट एग्ज़ाम में एनटीए कौन कौन से बड़े बदलाव कर सकता है, क्योंकि नीट 2024 में जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। कितने बड़े लेवल पर पेपर में स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। अनफॉर्चुनेट सुप्रीम कोर्ट से न्याय तो नहीं मिला, लेकिन ये उम्मीद है कि 2025 में उन गलतियों को एनटीए दोबारा नहीं दोहराएगा। बात करते हैं पेपर कब हो सकता है, तो पेपर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है लगभग 99% की मई के महीने में होगा। पहला संडे है 4 तारीख को, दूसरा है 11 तारीख को, तो इन्हीं दो संडे में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो सकता है। अगर हम अभी तक की जो रिपोर्ट्स आई हैं मीडिया की उनको बेस मान के चलें तो अब बात आती है कि एनटीए अपनी गलतियों से क्या सबक लेकर बदलाव कर सकता है। पहली चीज़, जो नए बदलाव की डिटेल्स आई है तो उसमें बताया ये गया है, मैं आपको एक चीज़ सुना देता हूँ कि इस बदलाव में गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि अब जितने ही गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उन्हीं को सेंटर्स बनाया जाए नीट एग्ज़ाम कंडक्ट करने को लेकर। क्योंकि जैसे आप सबको पता है राजस्थान में हुआ, प्राइवेट सेंटर को सेंटर बनाया गया, उस बच्चे से काफ़ी सारे बच्चों ने टॉप किया, तो अब गवर्नमेंट चाहती है कि जितने गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेजेस हैं जिनमें सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं वहीं पर नीट एग्ज़ाम का सेंटर बनाया जाए। ये पहला बड़ा बदलाव हो सकता है। दूसरा, जब आप एंट्री करते हैं अपने सेंटर पे तो वहाँ पर आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है वहाँ पर न्यू अपडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए। जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें हुआ, इसीलिए पूरा नीट एंड क्लीन पेपर हो गया यूपी पुलिस का, और वहाँ पर कहीं पर भी चीटिंग की या पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई। तो सेम उसी स्ट्रेटजी को गवर्नमेंट नीट एग्ज़ाम में भी अप्लाई करना चाहेगी। इसमें आपका आधार वेरिफिकेशन थंब से जो होता है उसी के बेस पर आपकी क्लास एंट्री हो सकती है, ठीक है। कैमरेज जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो तो हर जगह रहेंगे। इसके अलावा साइबर पे भी एनटीए काम कर रहा है। साइबर में जैसे ही, साइबर सेल में जैसे ही कोई पेपर लीक करने के लिए टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पे कहीं भी शेयर होता है तो वहाँ पर भी एनटीए इस बार जो है नज़र रखेगी, और जैसे ही कोई बच्चा ऐसा करने का प्रयास करेगा या कोई ग्रुप ऐसा करने का प्रयास करेगा तो उसको भी एनटीए उस पर एक्शन लेने के लिए एक्टिव रहेगी। इसलिए साइबर सिक्योरिटी पर भी काफ़ी फोकस्ड है एनटीए। एक बात और निकल के आ रही है मीडिया में कि इस बार दो एजेंसियों के द्वारा नीट एग्ज़ाम का पेपर कंडक्ट हो सकता है। अब एजेंसियां कौन कौन सी हैं इसको अभी क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की जो अभी तक का था सारी जिम्मेदारी होती थी एनटीए की, लेकिन अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पेपर बनने से लेकर गवर्नमेंट लॉकर्स तक पहुँचाने के लिए और फिर लॉकर्स से स्कूल तक पहुँचाने के लिए। उन सभी जगहों पर अब गवर्नमेंट दो संस्थानों को जिम्मेदारी दे सकती है। इसके अलावा जितने भी जो सेंटर्स होते हैं जहां पर पेपर रखा जाता है वहां पर भी हाई सिक्योरिटी के जो है व्यवस्था गवर्नमेंट करने का प्लान कर रही है। इसके अलावा सिलेबस लगभग सेम रहेगा जो 2024 में रहा है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। और पुरानी एनसीईआरटी के भी कुछ चैप्टर्स जो 24 में आए थे उनको आप सभी पढ़ते रहिएगा, क्योंकि इस बार 24 में क्या हुआ कि लगभग 6-7 क्वेश्चन जो ऐसे थे वो ओल्ड एनसीईआरटी से आ गए थे, तो उन ओल्ड एनसीईआरटी के डिलीटेड चैप्टर्स को भी आप सभी को पढ़ना है। थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आसानी होगी। इसके अलावा जो न्यू एनसीईआरटी है उसको तो आप सभी को बहुत ध्यान से पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सभी बच्चों के लिए जो कि 2025 को लेकर थी। मैंने आप सभी को सब कुछ बता दिया है। आप सभी मई के महीने को टारगेट करके चलें। अभी आप सितंबर के मिड में हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग 7 महीने का समय है। इन 7 महीनों में अच्छे से पढ़ाई कर लें जिससे आप सभी का सिलेक्शन सिक्योर हो जाए। इस वीडियो में तो ही आप सब ने इसको देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।